रेंजिंग में 15 मीटर मैक्सिमम तक 13 राउंड, जिसको हम 13 चला सकते हैं। ट्रैप यहाँ पे भरते हैं, इसमें आते हैं, इसकी रेंज है 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर जितने आप और कोई दूसरा देखने वाला वीडियो, इतनी दूरी की बात हो रही है 50 मीटर। 50 मीटर काफी क्षमता होती है 100 मीटर के अंदर, यानी कि 100 मीटर की दौड़ होती है जहाँ देख सकते हो। या फिर फुटबॉल ग्राउंड की बात करें तो फुटबॉल ग्राउंड की एक छोर खड़े होकर और दूसरी छोर के निशाने में, यानी कि बीच में अगर खड़े होंगे। तो हेलो दोस्तों, ये है रीवा का पुलिस ग्राउंड, आओ ये दिखाते हैं। ये लिखा है नौवीं वाहिनी रीवा, ठीक है, नंबर रीवा। ये रीवा का पुलिस लाइन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पुलिस ग्राउंड। रीवा का जो खेलने कूदने या मैदान कुछ भी फिटनेस से रिलेटेड, ये रीवा का इसी मैदान पे होता है। चलो आज हम बात करते हैं पिस्तौल, जिसको बहुत सारे लोग राइफल बोलते हैं। इसको राइफल नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है पिस्तौल, क्योंकि ये छोटा होता है और कभी भी पॉकेट जेब में या फिर अगल बगल हम इसको डाल सकते हैं। ये रीवा संभाग यानी MP का है और इस ग्राउंड में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए। अगर लाइक कर लोगे तब से मैं देखने को मिलेगा। चलो, ये पिस्तौल 9 mm, ठीक है, 9 mm का है इसका। ये सब कुछ दिया है, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन, कैची, सब कुछ लिखा हुआ है। इसकी जो रेंज की बात करते हैं वो 15 मीटर है, 15 मीटर समथिंग जितने और आप हो। सब्सक्राइब कर लो ना, गोली मार दूंगा। चलो ठीक है, इसकी मैगजीन क्षमता है 13 राउंड, मतलब कि इसमें 13 गोली आप एक बार में फायरिंग कर सकते हो। कितने 9 mm पिस्तौल पे आप 13 गोली आते हैं, मतलब 13 खाने वाला गोली नहीं है, टैबलेट। तो 13 mm का ये है, 13 mm, ठीक है। इसकी जो कि रेंजिंग है 15 मीटर मैक्सिमम क्षमता 13 राउंड, इसको हम 13 चला सकते हैं। और इसकी MM to 9, यानी कि 9 बोलते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, हम बात करते हैं। अगले हम पिस्तौल की गोल से ट्रिगर की बात करते हैं, 9 mm है ये टिगर राइफल, ये ठीक है। इसकी पिस्टल ड्रैप यहाँ पे भरते हैं, इसमें आते हैं, इसकी रेंज है 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर जितने आप और कोई दूसरा देखने वाला वीडियो, इतनी दूरी की बात हो रही है 50 मीटर। 50 मीटर काफ़ी क्षमता होती है 100 मीटर के अंदर, यानी कि 100 मीटर की दौड़ होती है जहाँ आप देख सकते हो। या फिर फुटबॉल ग्राउंड की बात करें तो फुटबॉल ग्राउंड की एक छोर से खड़े होके और दूसरी छोर के निशाने में, यानी कि बीच में अगर खड़े रहोगे तो इसकी मारने की क्षमता 50 मीटर पड़ जाता है। ऐसी मतलब राउंडिंग कितनी होती है तो इसमें 15 से 17 गोलियां आती हैं, 15 से 17 फायरिंग एक राउंड में कर सकते हैं। ये सब कुछ देख सकते हैं।
तो आई होप कि इस वीडियो पे थोड़ा मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह मिलते रहिए कैमरा मैन से। कितना सब्सक्राइब हो जाता है, पैसा मिलता है यार सब्सक्राइब लाइक।